शुक्रवार का दिन संसद में गहमा गहमी भरा रहा। सभी की निगाहें संसद पर टिकी रहीं। जन जागरण यात्रा पर निकले कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पूरे जोश के साथ नजर आ रहे थे। रतलाम में जन जागरण यात्रा के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को खुला चैलेंज भी दिया। इंदौर में आज 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को सरकार द्वारा लैपटॉप वितरित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईटेक तरीके से विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए। नहीं रहे जाने माने कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज, गुरुवार को एम्स में हुआ निधन। इंदौर डीआईजी हरिनारायण चौरी मिश्र को पीसकर 2018 वीरता पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। पुलिस मैगजीन द्वारा कई अफसरों का होगा सम्मान। जबलपुर के रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई गई। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 60 से 62 उम्र करी गई। उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर के आसपास की दुकानों पर चला जेसीबी, पुजारी को दिया गया था नोटिस। जमीन के सीमांकन रिपोर्ट में उजागर हुआ अतिक्रमण का मामला। ग्वालियर चंबल संभाग में तेज बारिश का अलर्ट। 24 घंटे में ग्वालियर में 102 मिलीमीटर बारिश, वहीं इंदौर में अब तक 320 मिलीमीटर बारिश हुई दर्ज। राजधानी भोपाल में एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर लाखों रुपए निकालने वाले गिरोह का सरगना पकड़ाया। एटीएम में स्कीमर लगाकर करते थे धोखाधड़ी। राजधानी भोपाल की साइबर पुलिस ने किया गिरोह का पर्दाफाश। राहुल गांधी की झप्पी पर भड़की सुमित्रा महाजन, बोली यह सदन की गरिमा के खिलाफ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगाया था गले। दाती महाराज के खिलाफ सीबीआई जांच को लेकर हुई सुनवाई। दाती महाराज की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारों में राहुल गांधी पर साधा निशाना, साथ ही कहा कि जो लोग सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं वो गरीबी को क्या समझेंगे। सदन में राहुल गांधी के आंख मारने पर बोले कुमार विश्वास, सदनों में क्या क्या मारा गया है मुल्क को है मालूम। विदिशा के कुरवाई में ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई, बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं बाइक चालक युवक खुरई के महोली का रहने वाला था। विदिशा में भाजपा की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में पर्यटन निगम अध्यक्ष तपक भौमिक सहित कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव पर मंथन किया गया। इंदौर नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के साथ साथ अब निगम कर्मचारियों को स्वस्थ बनाने की कवायद भी की जा रही है, जिसके लिए निगम द्वारा कर्मचारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें तंबाकू के विरोध में कर्मचारियों को जागरूक किया गया।